नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 की सीरीज चल रही थी, लेक्चर्स वीडियो चल रहे थे और यह लेक्चर्स वीडियो संख्या 18 है। मित्रों, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। तो ये आज का जो वीडियो है केंद्रित है, यह एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 का बुक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, विश्व इतिहास के कुछ विषय चैप्टर का नाम, विश्व इतिहास के कुछ विषय पुस्तक का नाम है और चैप्टर का नाम है संस्कृतियों का टकराव। तो यह लेक्चर संख्या 18 आप लोगों के सामने है। देखिए मित्रों, इस यह जो आपका चैप्टर है इसमें दरअसल यह बताया गया है कि कैसे यूरोपवासियों ने, कैसे इंग्लैंड के लोग, कैसे स्पेन के लोग, कैसे पुर्तगाल के लोग, जो यूरोप के निवासी हैं, ठीक है, यूरोप का देश है पुर्तगाल और स्पेन, विशेष रूप से मैं पुर्तगाल और स्पेन की बात करूंगा, यूरोप के आदेश पुर्तगाल और स्पेन, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े भूभागों का खोज किया, बहुत बड़े बड़े महाद्वीपों का खोज किया, उत्तरी अमेरिका का खोज, दक्षिणी अमेरिका का खोज, भारत का खोज, मतलब यह जो भी भारत का खोज तो नहीं हुआ था, भारत का तो भारत तक पहुंचने का मार्ग भी खोज किया था वास्को डी गामा ने, जो पुर्तगाल का एक नाविक था, पुर्तगाल का एक यात्री था, वैसे ही स्पेन का नाविक था कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का खोज किया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का खोज किया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप तक पहुंचने वाला यूरोप का एक नाविक था एंडरसन, ठीक है, कैप्टन कुक जो इंग्लैंड का था उसने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था, तस्मान का खोज किया था। इस तरह से यूरोप के बहुत सारे देश और विशेष रूप से पुर्तगाल और स्पेन के लोग जो नए भूभागों की खोज करते थे, उसको तलाश करते थे और फिर वहां पर अपना उपनिवेश फैलाते थे। यूरोप पुर्तगाल का एक राजकुमार था, ठीक है, हेनरी प्रथम ने तो खुला आदेश दे रखा था अपने अपने देश के नाविकों को, अपने देश के खोजकर्ताओं को, विशेष रूप से नाविकों को यह आदेश दे रखा था कि अगर तुम नए भूभाग की खोज करोगे, नए भूभाग की खोज करोगे तो तुमको मैं वहां का गवर्नर बना दूंगा, वहां का वायसराय बना दूंगा। इस लालच में बहुत सारे नाविक नए नए भूभागों की खोज करते थे। तो आज के अध्याय में विशेष रूप से हम अमेरिका की बात करेंगे कि अमेरिका की खोज कैसे हुई और उसके बाद खोज होने के बाद वहां के जो अमेरिका के मूल जाति थे उनके साथ जो बर्बरता किया गया, जो हिंसा किया गया, जो अन्याय और अत्याचार किए गए, किस दुनिया के किसी भी सभ्यता में, किसी भी देश में इतना जुल्म नहीं हुआ होगा जितना अमेरिका की मूल जातियों के साथ हुआ, अमेरिकी लोगों के साथ हुआ। अमेरिकी लोगों का मतलब वो सफेद लोग जो आमतौर पर पुर्तगाल के हैं, स्पेन के हैं, इंग्लैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया यूरोपीय देश के हैं, वो तो जाकर कब्जा कर लिए ना। यूरोप के लोग अमेरिका महाद्वीप की खोज किए और वहां के मूल जातियों का दमन करके उनके ही भूभाग पर कब्जा किए और उनको दास बनाकर रखा। दुनिया का इतना बड़ा घृणित इतिहास शायद ही कहीं का होगा जो अमेरिका के मूल जातियों के साथ यूरोपीय लोगों ने दुर्व्यवहार किया, ठीक है, उनको अपने उनके ही देश में उनके ही संसाधन पर कब्जा करके उनको ही दास बनाकर रखा। कौन? यह अमेरिका के जो सफेद पोश लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं इस समय, अमेरिका के जो लोग गोरे लोग हैं वहां पर उन्होंने कब्जा किया है, ठीक है। वो सभी लोग इंग्लैंड के हैं, जर्मनी के हैं, रूस के हैं, फ्रांस के हैं, पुर्तगाल के हैं, स्पेन के हैं, वो अमेरिका के लोग नहीं हैं, ठीक है। और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे वहां खालिस्तानी आतंकियों को संरक्षण देने का कार्य कनाडा करता है, खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करता है, उनको संरक्षण देने का काम कनाडा करता है। कनाडा का एक प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो शायद, ठीक है, वह खालिस्तानियों का पक्ष लेते हैं, वह मानवता की बात करते हैं, वह इंसानियत की बात करते हैं। 10 लाख अमेरिकी मूल जातियों को गांजा मूली की तरह काट दिया गया था, इन्हीं यूरोपीय वासियों ने काटा है। और उनके आज जहां कनाडा है ना, आज जहां यूएसए है, आज जहां मैक्सिको है, और वहां जो गोरे लोग, सफेद लोग वहां पर राज कर रहे हैं, दरअसल वह उनकी भूमि है ही नहीं। वहां पर जो लोग मूल लोग थे उनको पूरी तरह से एकदम खत्म कर दिया गया। आज बहुत उंगली पर गिने जाने योग्य ही वहां की जातियां बची हुई हैं जिन पर उनका अधिकार था। तो उसी दंश को, उसी अन्याय को, उसी हिंसा को और समाज के साथ जो क्रूर व्यवहार किया यूरोपीय वासियों ने, उसी का यह चैप्टर है, संस्कृतियों का टकराव, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जो लोग बीपीएससी पीजीटी इतिहास के लिए या
डीएसएसबी पीजीटी इतिहास के लिए या केवीएस के लिए, एमबीएस के लिए, एनसीईआरटी को पढ़ना और समझना चाहते हैं, उसका कंप्लीट नोट चाहते हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397216 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपया कंप्लीट कोर्स है और आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं जो भी लोग चाहें, ठीक है। पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, पूरा का पूरा कंप्यूटराइज नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा और इसी तरह के शानदार पीपीटी नोट्स मिलेंगे और हम एकदम एनसीईआरटी को पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम घोल कर पिला देना है, ये ध्यान रखिएगा, घोल कर पिला देंगे। एक एक चीज, एक एक फैक्ट परीक्षा में जो आएंगे और आने की अपार संभावना बनी रहेगी, हमारे द्वारा दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए यही सब सारा नोट्स आप लोग को दिया जाता है, हालांकि यह पहला खंड है, अभी मैं जैसे जैसे नोट्स तैयार होगा, अभी तो यह समझिए जितना मैं कम से कम 29 पेज का यह पूरा का पूरा चैप्टर का पीपीटी नोट्स है, ठीक है। तो संस्कृतियों का टकराव आज शुरू करते हैं। तो मैंने पूरा खाका तो बना दिया है, इसमें वही बात है, अमेरिकी लोगों के साथ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का खोज करके, उनकी संस्कृतियों का विनाश करके, उनके संसाधनों पर कब्जा करके, उनको गुलाम बनाकर, दास बनाकर, उनकी ही भूमि पर खेती कराकर और जंजीरों में जकड़ने का जो काला अध्याय है, वही संस्कृति का टकराव है। हमको पढ़ते हुए जब मैंने एनसीईआरटी का इस चैप्टर का अन्वेषण किया और इसके बारे में जब मैंने जानकारी जुटाई, जब इसके बारे में मैंने कुछ और किताबों को पढ़ा, तो मुझे पढ़ते हुए शर्म आई थी और आपको सुनते हुए शर्म आई अगर आप इसको पढ़ेंगे। लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं यार चैप्टर है, चैप्टर को चैप्टर की तरह पढ़ाइए। अगर किसी को गुस्सा नहीं आता है तो कम से कम इसके बारे में जानिए, इसके बारे में जानेंगे, आप भी खुद से दमदमा जाएंगे किस तरह से सुफल हुआ था। देखिए और इतिहास को देखिए, कोई भी चैप्टर होता है ना, कोई भी कहीं भी कुछ भी आप पढ़ते हैं, तो अगर उसको बारे में थोड़ा सा सही तरीके से अपने दिमाग में बैठाना पड़ता है, अगर स्थायी करना पड़ता है, तो उसे उस चैप्टर को जीना पड़ता है भाई। फॉर्मेलिटी में कोई कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है, जब तक आप उसे समझेंगे नहीं, उसमें रुचि नहीं लेंगे, तब तक तो मैं रुचि जगाने का प्रयत्न करता हूं आप लोगों के लिए। देखिए 15वीं और 17वीं सदी में के दौरान यूरोपवासियों और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच भी संघर्ष। यह चैप्टर 15वीं और 17वीं सदी के दौरान यूरोपवासियों और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष की कहानी है। किस तरह से इंग्लैंड से या फ्रांस से जो लोग आए, भारत में आए, और उनसे भारतीयों के साथ जो संघर्ष हुआ, वैसे ही उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की खोज पुर्तगाल स्पेन के लोगों ने किया और वहां पर जो संस्कृति रहती थी वह भी उनके साथ उनका संघर्ष हुआ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यह वहां पर कई जातियां थी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना भीषण अन्याय हुआ था और पुर्तगाली और स्पेन के नाविकों के धारदार तलवार से न जाने इनका पूरा सारा नंगा बदन काट दिया गया, ठीक है, क्योंकि नंगे बदन रहा करते थे ये लोग, ठीक है, कपड़े थोड़े से कम पहनते थे, सभ्य कम थे, हालांकि सभ्य सही मामले में देखा जाए तो कपड़े न पहनना सभ्यता की निशानी नहीं है, दरअसल सभ्य तो यही लोग थे, असभ्य तो यह लोग थे, बर्बर तो यह लोग थे, कौन, पुर्तगाल और स्पेन के लोग, जिन्होंने इन लोगों पर भीषण जुल्म किया, अन्याय किया। देखिए पुर्तगाल और स्पेन के नाविकों ने किस तरह से संसाधनों के लालच के कारण अमेरिका के मूल निवासियों का शोषण किया। अच्छा संसाधन कौन थे, बार बार कह रहा हूँ, संसाधनों के लिए वह उनके संसाधनों पर कब्जा किए और उनका शोषण किए, तो संसाधन क्या था। दरअसल आपको बता दूं, अमेरिका के लोगों ने, मतलब यूरोप के लोगों ने, विशेष रूप से मैं पुर्तगाल स्पेन की बात कर रहा हूँ, जब मैं यूरोप कहूँ तो आप पुर्तगाल स्पेन ही समझ लीजिए, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे देश हैं और सबकी क्षमता, सबकी औकात नहीं थी कि वह किसी बाहर के देशों को अपना उपनिवेश बनाए, विशेष रूप से पुर्तगाल और स्पेन ही उस समय आगमूत रहे थे, ठीक है, अब इन लोगों की कोई औकात ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो देखिए पुर्तगाल और स्पेन के लोगों ने अमेरिका के बारे में सुन रखा था, अमेरिका महाद्वीप के बारे में सुन रखा था कि वहां पर सोने का भंडार है, तो सच्चाई था भाई यह अमेरिकी की। देखिए सोने और चांदी दुर्लभ किसके लिए था, सोने और चांदी दुर्लभ जो था यूरोपवासियों के लिए था, अमेरिका महाद्वीप के जो मूल निवासी थे ना, वो सोने और चांदी को ऐसे फेंक देते थे, कुछ नहीं समझते थे, सोने और चांदी का बहुत ज्यादा कदर नहीं करते थे, दिमाग में रखिएगा आप लोग। यहां तक कि अमेरिका की मूल जातियां जो थी वो शीशे की अगर माला या स्फटिक की माला अगर उनको मिल जाती ना, तो वह सोना सोना भर भर कर दे देते थे, चांदी भर भर कर दे देते थे, किसको, यूरोपवासियों को, ठीक है, बहुत सारा उपहार वह वैसे ही देते थे। सोने और चांदी की बहुत ज्यादा कदर अमेरिका की मूल जातियां नहीं करती थी, क्योंकि उन,
उनके लिए दुर्लभ चीजें नहीं थी, वहां सोने और चांदी का सजीव पहाड़ था, इतना भरपूर संसाधन था वहां पर कि कहिए मत, ठीक है। और उसी सोने और चांदी की कोई कीमत नहीं थी अमेरिका के मूल जातियों के लिए, सोने और चांदी की कीमत किसके लिए थी, यूरोपवासियों के लिए थी। इसीलिए यूरोपवासियों ने उस नए महाद्वीप का खोज किया और वहां पर जो संसाधन था, सोने थे, चांदी थे, हीरे थे, मोती थे। और बाद में तो भाई जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई तो वहां पर तो कोयले और पेट्रोलियम के भंडार भी आ गए, तो भाई उनके उन संसाधनों पर लाट टपकाने लगे और इसी की वजह से उन पर उन्होंने कब्जा किया और उन पर अत्याचार किया। तो देखिए पुर्तगाल और स्पेन के नाविकों में किस तरह से संसाधनों के लालच के कारण अमेरिका के मूल निवासियों का शोषण किया। सदियों तक हुए इस शोषण और नरसंहार के कारण अमेरिका महाद्वीप में इस महान सभ्यता का विनाश हो गया। कौन सी महान सभ्यता थी आगे मैं चर्चा करूंगा। देखिए वहां पर एक माया सभ्यता थी, एस्टेक सभ्यता थी, इनका सभ्यता थी, इन सभी सभ्यताओं का विनाश हो गया और उन सभ्यता के मानने वालों का भी विनाश हो गया, ठीक है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं इतना ज्यादा सोना और चांदी अमेरिका के महाद्वीप में के लोगों के पास था, उन सोने और चांदी से बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी होती थी, विशालकाय मूर्तियां बनी होती थी। और स्पेन के लोग उन मूर्तियों को कब्जे में ले लिए, उन मूर्तियों को सब मतलब ले लिए, लूट लिए, ठीक है। और उन मूर्तियों को गलाकर सिक्के बनाए, उन मूर्तियों को गलाकर बहुत सारी चीजें बना दी। आज बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं उस सभ्यता का, कोई भी अगर भौतिक चीजें अगर मिलती है, कोई पुरातात्विक वस्तुएं मिलती हैं तो वो बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि स्पेनियों के हत्थे जो भी कुछ लगा, जो भी उनकी पुरातात्विक सामग्री लगी, सबको गलाकर उन्होंने क्या बना दिया, सोना और चांदी के सिक्के बना दिए, ठीक है, क्योंकि सोने और चांदी के सिक्के की कमी थी उनके पास। और 14वीं सदी में महामंदी भी आई थी तो चांदी की भयंकर कमी हो गई थी, इसीलिए सोने और चांदी के सिक्के बनाने के लिए उन्होंने उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियों को भी गला दिया। तो देखिए अब देखिए स्रोत, मतलब कि अमेरिका महाद्वीप और यूरोप वास, अमेरिका महाद्वीप के मूल जातियों और यूरोपियों के बीच जो सांस्कृतिक टकराव है उसका स्रोत क्या है, कहां से इसकी जानकारी मिलती है। मैं आपको बता दूं अमेरिका के जो यूरोपीय नाविक थे जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। अमेरिका महाद्वीप की खोज नहीं की थी, वह कैरेबियन सागर का खोज किया था। कैरेबियन सागर में एक टापू का खोज किया था, लेकिन कैरेबियन सागर का जो टापू है ना वो अमेरिका महाद्वीप का ही तो अंग है, तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज किया। और पहले के जो नाविक थे जब वो किसी यात्रा पर जाते थे तो अपने साथ डायरी लेकर चलते थे और बहुत सारे वृत्तांत लिखते थे। तो यात्रियों की जो पांडुलिपियां थी, यात्रियों के द्वारा जो लिखित दस्तावेज था, ठीक है, यात्रियों का जो डायरी था, विशेष रूप से मैं आपको यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस की डायरी बता रहा हूँ। यह क्रिस्टोफर कोलंबस की डायरी है, यह डायरी का एक पन्ना है और यह उसकी डायरी है। यह पूरी तरह से पांडुलिपि है जो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा लिखी गई थी उसके यात्रा अभियान के द्वारा। तो देखिए जो यूरोपीय जो अमेरिका के मूल जातियों की जानकारी मिलती है किससे मिलती है, यात्रियों की पांडुलिपियों से, ठीक है, लॉन्ग बुक और डायरियों से, ठीक है, फिर आधिकारिक रिकॉर्ड से, जो वहां पर आधिकारिक रिकॉर्ड होता था, जैसे कि जब स्पेन के लोग जाकर अमेरिका में अपना उपनिवेश फैलाए तो बहुत सारा भाई आधिकारिक काम करना पड़ता था उनको, हिसाब किताब उनको स्पेन के सम्राट को भी देना पड़ता था, पुर्तगाल के सम्राट को भी देना पड़ता था, तो उसका रिकॉर्ड, उससे संबंधित जो रिकॉर्ड मिला उससे यही स्रोत है। फिर आपके वहाँ पर जो स्मारक मिले, ठीक है, स्मारक मिले, वहाँ पर जो उन्होंने फोटोग्राफी उस समय हो रही थी, फोटोग्राफी भी हुआ, तो यह सब क्या है, यह सब उस संस्कृति को जानने का क्या है, स्रोत है, ठीक है। ये सभी क्या है, यह यूरोपवासियों द्वारा जो अमेरिका की जातियों मूल जातियों पर कब्जा किया गया, मूल जातियों का विनाश किया गया, सांस्कृतिक टकराव हुए, यह सब उसी के स्रोत है। और यह जो पन्ना आप देख रहे हैं, जो किताब देख रहे हैं और यह जो क्षतिग्रस्त पन्ना देख रहे हैं, ये सब क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस की डायरी की पांडुलिपि है, ठीक है। और यह जान लीजिए डायरी लिखते थे, डायरी अलग होती थी, डायरी होती थी जो भी उस समय नाविक होते थे और कहीं लंबी यात्रा पर जाते थे वो अपनी डायरी में उस चीजों को दर्ज करते थे, ठीक है। अब देखेंगे उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की संस्कृति। देखिए पहले तो उत्तरी अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, ठीक है, कैरिबियन सागर में फैला हुआ कुछ टापुओं की खोज किया और उसके बाद मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किया था। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की खोज एंडरसन ने किया और कुछ ही वर्षों बाद,
दक्षिण अमेरिका की भी खोज हो गई थी। तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की दोनों की खोज हो गई थी और दोनों महाद्वीपों में भिन्न भिन्न सभ्यताएं, भिन्न भिन्न संस्कृतियां, भिन्न भिन्न जाति के लोग निवास करते थे। दोनों की सभी लोगों की संस्कृति अलग अलग थी, लेकिन कुल मिलाकर सभी लोग एक दूसरे से परिचित थे भाई, ऐसी बात नहीं थी। सभी लोग, सभी जातियां एक दूसरे से परिचित थी। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में अलग अलग समुदाय के लोग रहा करते थे, ठीक है। अब देखिए, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में दो तरह की संस्कृतियां थी। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में दो तरह की संस्कृतियां थी। देखिए, कैरेबियाई क्षेत्र, अभी मैं कैरेबिया दिखाऊंगा कि कैरेबियन सागर के आसपास का जो इलाका है ना, उसे हम कैरेबियाई क्षेत्र बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कैरेबियन सागर है और उस पर फैला हुआ, उस पर छोटे 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 द्वीप हैं, उसे ही हम कैरेबियन क्षेत्र कहते हैं। तो उसी क्षेत्र में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस गया था, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अंग है। तो कैरेबियन क्षेत्र में क्या हुआ है, कैरेबियन क्षेत्र और ब्राजील में, ब्राजील महाद्वीप, आप लोग ब्राजील और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील एक बड़ा देश है। रूस सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखिएगा, रूस पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश है। रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है चीन, उसके बाद है ब्राजील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है भारत। मतलब रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील, मतलब चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। तो कैरेबियन क्षेत्र में और ब्राजील में छोटी छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं थी। मतलब कैरेबियन क्षेत्र में और ब्राजील में छोटी छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं थी। मतलब वहां पर कुछ ऐसी जातियां निवास करती थी जो केवल निर्वाह करती थी, जीवन निर्वाह करती थी। कुल मिलाकर वहां पर कोई शासन व्यवस्था नहीं था, वो अपने अपने आप में मगन थे, खाते थे, पीते थे, पशु पक्षी चराते थे, कुल मिलाकर अपने खान पान का पूरा ध्यान रखते थे। मतलब किसी प्रकार निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं थी, किसी प्रकार का कोई राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, कोई प्रकार के किसी प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं थी। तो देखिए, कैरेबियन क्षेत्र एवं ब्राजील में छोटी छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं थी, यहाँ किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं थी, सब अपने आप में संपन्न और सुखी थे। कहाँ, कैरेबियन सागर, कैरेबियन क्षेत्र में और ब्राजील में। अभी मैं दिखाऊंगा नक्शा कैरेबियन क्षेत्र और ब्राजील का, चलिए मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कैरेबियन क्षेत्र की जहाँ बात कर रहा हूँ ना, यही जो इलाका है, यही आपका कैरेबियन क्षेत्र है। यहीं पर छोटी छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं थी, ठीक है, यहीं पर, ठीक है। और यह आपका ब्राजील की बात कर रहे हैं, तो यह जो बड़ा जो जगह दिखाई दे रहा है, यही ब्राजील है, ये हिस्सा जो है आपका ब्राजील है। मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। यह देखिए, वन मिनट, ये आपका कैरेबियन क्षेत्र है, जहाँ पर छोटी छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं थी। और यह जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है ब्राजील, यह है आपका ब्राजील, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है ब्राजील। और ब्राजील के बारे में बता दूं, दरअसल ब्राजील का नाम ब्राजील क्यों पड़ा, क्योंकि इस जगह पर ब्राजील नाम का पेड़ उगता था। ब्राजील नाम, ब्राजील समझिए एक पेड़ है, एक वृक्ष है जिसका नाम ब्राजील है, ठीक है। और इस वृक्ष के बड़े घने घने जंगल इस क्षेत्र में होते थे। ब्राजील एक प्रकार का वृक्ष है और इस वृक्ष के घने घने जंगल इस क्षेत्र में होते थे, इसीलिए यूरोपवासियों ने, जिन्होंने दक्षिण अमेरिका की खोज किया, उसने इस क्षेत्र को क्या बोल दिया, ब्राजील बोल दिया, ठीक है, समझ लिए, यही है बस, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए, कैरेबियन क्षेत्र और ब्राजील में छोटी छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं थी, यहाँ किसी प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं थी, सब अपने आप में संपन्न और सुखी थे। अब कहाँ पर शासन व्यवस्था थी, तो मैक्सिको, देखिए मैक्सिको और मध्य अमेरिका के एजटेक और माया, देखिए मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में, मैक्सिको मध्य अमेरिका में कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, मैक्सिको मध्य अमेरिका कहाँ है, देखिए यह जो आप इलाका दे रहे हैं ना, ये आपका क्या है, मैक्सिको है, ठीक है। और ये जो कुल मिलाकर यह मध्य अमेरिका का इलाका बोल सकते हैं, यहां से लेकर पूरा, ठीक है। तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, देखिए मैक्सिको और मध्य अमेरिका के एजटेक और माया समुदाय, ठीक है, मैक्सिको मध्य अमेरिका में क्या था, मैक्सिको मध्य अमेरिका में एजटेक और माया, ये दोनों सभ्यताएं थी, दोनों समुदाय थे, एजटेक और माया समुदाय। और पेरू के इंका में, और पेरू के इंका में भव्य वास्तुकला थी। और पेरू कौन सा है, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर पेरू है, ठीक है। तो पेरू के इंका में भव्य वास्तुकला थी, मतलब यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाऊंगा एजटेक और माया सभ्यता की बड़े बड़े मंदिर, ठीक है, बड़े बड़े यहाँ पर मंदिर थे, बड़े बड़े यहाँ पर स्मारक थे, ठीक है, कहाँ, मैक्सिको मध्य अमेरिका में यह सब सभ्यताएं थी। और पेरू के इंका में भव्य वास्तुकला थी,
ठीक है, विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी, और विकसित खेती होती थी और यहाँ पर खनन उद्योग भी था और यहाँ पर क्या था, राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी। कुल मिलाकर मैक्सिको मध्य अमेरिका में दो सभ्यताएं, दो समुदाय रहती थी, एक एजटेक और एक माया। इसीलिए कहा जाता है ना यहाँ पर माया सभ्यता थी, एजटेक और माया सभ्यता थी। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा कट गया है, यहां पर है अरावाकी, यहां पर जिस समुदाय की बात कर रहा हूं यहां अरावाकी, अरावाकी जो थे एक जनजाति थे, अमेरिका की जनजाति थी अरावाकी समुदाय, अरावाकी लुकायो, यह आपकी क्या थी, अमेरिका की मूल जातियां थी, अमेरिका की मूल जातियां थी। आप लोगों को इन अरावाकियों अरावाकी समुदाय का एक फोटो यहां पर दिखा रहा हूं, यह देखिए। और इनकी कहानी अगर आप पढ़ लेंगे, इनके कहानी के बारे में आप समझ लेंगे, तो आपकी आंख से आंसू नहीं खून उतर आएगा कि यह इतने भोले भाले मासूम लोग थे यार, गजब गजब की मासूमियत थी इनके पास। अरावाकी समुदाय जो जो था ना, बहुत ही मासूमियत समुदाय था इनका। और यह देखिए, सोने चांदी हीरे मोती एकदम लादे रहते थे, कपड़े कम पहनते थे और सोने चांदी हीरे मोती एकदम लादे रहते थे ये अरावाकी समुदाय के लोग, और बहुत ही व्यवहारिक होते थे। इनकी व्यवहारिकता का अंदाजा यह देखिए कि जब स्पेन के लोग, विशेष रूप से क्रिस्टोफर कोलंबस, जब इनके वहां पहुंचा ना, तो ये लोग खुश हुए। वहां पर 40 लोगों का दल था क्रिस्टोफर कोलंबस के पास, जब वहां पहुंचा था अपने नाव के साथ, तो अरावाकी जो लोग थे खुश हुए थे, प्रसन्न हुए थे, उसका स्वागत किए थे। और वह खुद लोग, वह क्रिस्टोफर कोलंबस, आप सोचिए वह स्पेन का नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पर अमेरिका में आता है, अरावाकी समुदाय के बीच में आता है, और क्रिस्टोफर कोलंबस का मन बढ़ा हुआ देखिए, उसने स्वयं को वहां पर उन लोगों से बिना पूछे उसने वहां पर अपने को क्या घोषित किया, वायसराय घोषित कर दिया। और अरावाकी लोग कुछ नहीं समझते थे, वो लोग खुद उसका स्वागत किए और उसके मतलब कि उसके समारोह में, वायसराय वाले समारोह में खुद उपस्थित हुए, यह था। और अरावाकी लोग शीशे का अगर कुछ मिल जाता था, क्योंकि शीशा उनके लिए दुर्लभ चीज थी, तो शीशे के मनके मिल जाते थे, शीशे के या स्फटिक के कोई माला मिल जाती थी, तो उससे वह खुश हो जाते थे और खूब ज्यादा सोना चांदी हीरा मोती वह लोग दे देते थे। तो इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था अरावाकी समुदाय का। तो देखिए, अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग कैरेबियन सागर में रहते थे। तो ये भाई कैरेबियन सागर कहाँ है, तो यही तो है भैया, यही तो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में, यही है कैरेबियन सागर। और यहीं पर तो रहते थे अरावाकी लोग यहीं पर रहते थे। और क्रिस्टोफर कोलंबस भी जब आया था ना, तो यह कैरेबियन सागर के टापुओं पर ही आया था, ठीक है। और कैरेबियन सागर के जो टापू हैं वो किसके अंग हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंग हैं, ठीक है। तो अरावाकी समुदाय के जो लोग थे वह कहाँ रहते थे, कैरेबियन सागर में रहते थे। अच्छा, कैरेबियन सागर को बहामा क्षेत्र भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को बहामा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बहामा क्षेत्र भी कहा जाता है। और अरावाकी समुदाय के जो लोग थे वह कैरेबियन सागर में ही रहते थे। अरावाकी लोग ऐसे थे जो लड़ने की बजाय बातचीत में झगड़ा अधिक, बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। देखिए, इतने सज्जन प्रवृत्ति थे, मैं दुनिया का हर इतिहास में पढ़ लिया, दुनिया की हर सभ्यता का अगर इतिहास पढ़ूं और पढ़ा और समझा, जितना भी पढ़ा, उसमें मुझे दो ऐसी समुदाय देखने को मिलते हैं जिनका मतलब मासूमियत का एकदम, मासूमियत की पराकाष्ठा थी उनके पास, सहनशीलता की पराकाष्ठा थी। यहाँ पर अरावाकी लोगों के बारे में भी वही है कि वह बहुत ज़्यादा मतलब एकदम सहृदय विचार के थे, वह झगड़ा झुट्टी वह पसंद ही नहीं करते थे, और बिल्कुल ही मतलब सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे, अगर कोई प्राण भी मांगते तो प्राण देने तैयार रहते थे, इतने भोले भाले मासूम लोग थे अरावाकी समुदाय के लोग। और ऐसे ही अगर देखा जाए तो जहाँ तिब्बत है, जिस तिब्बत क्षेत्र पर चीन ने कब्जा किया है, तिब्बती लोग भी बहुत ज़्यादा मासूमियत होती है उनके अंदर, वह झगड़ा झुट्टी ये सब वह पसंद नहीं करते हैं, वह बवाल पसंद नहीं करते हैं, और वह भी काफ़ी सज्जन होते हैं तिब्बती लोग। और हमारे देश में आज भी आपको बता दूँ करोड़ों की संख्या में तिब्बती लोग हैं और पता नहीं चलता है, क्योंकि वह हिंसा पसंद ही नहीं करते हैं, ठीक है, वह हिंसा नहीं पसंद करते हैं। और वह आज भी इतनी ज्यादा से, देखिए थोड़े से कम संख्या में रोहिंग्या आए, पूरा खलबली मचा दिए, वह अधिकारों की बात करने लगे, लेकिन करोड़ों
तिब्बती लोग आज भी शरणार्थी बनकर रहते हैं और वह जीडीपी में कुछ न कुछ योगदान ही देते हैं। देखिए करोड़ों तिब्बती लोग हैं लेकिन तिब्बती लोग यहाँ शरणार्थी बनकर रहते हैं, वह यहाँ पर व्यापार करते हैं, उनका शरणार्थी वाला उनका एक अलग प्रमाण पत्र बना हुआ है, ठीक है, लेकिन वह क्या कर सकते हैं, वह मकान नहीं ले सकते हैं, वह जमीन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वह नौकरी नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर सकते हैं, वह कुछ भी अगर प्रक्रिया करेंगे तो वह गवर्नमेंट को सूचित करेंगे। तो इस तरह से काम तिब्बती लोग करते हैं, ठीक है। और वैसे ही अब बताइए तिब्बती इतने सज्जन थे तभी तो चीन ने वहां से पूरा तिब्बत का क्षेत्र ही खाली करा दिया। और वैसे ही अरावाकी समुदाय के लोग थी, तो देखिए अरावाकी लोग ऐसे थे जो लड़ने के बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। वे कुशल नौका निर्माता थे भाई, वह नौका निर्माता थे, पानी के जहाज बनाते थे तथा डोंगियों, देखिए ये कुशल नौका निर्माता थे, डोंगियों खुले समुद्र में यात्रा करते थे। और डोंगी होता था मतलब नाव जैसा ही डोंगी, छोटा छोटी नाव, और उससे क्या होता था खुले समुद्र में यात्रा करते थे। वे खेती करते थे, शिकार करते थे और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। खेती में देखिए खेती कौन कौन सा चीज का करते थे, खेती में वो मक्का की खेती करते थे, मीठे आलू की खेती करते थे और अन्य किस्म की कंद मूल आदि उगाते थे। तो यह अरावाकी समुदाय के एक व्यक्ति का आप फोटो देख रहे हैं, ठीक है, और यह तीर धनुष लिया हुआ है। लेकिन बहुत ही सज्जन यह समुदाय था, बहुत ही सज्जन समुदाय था। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने डायरी में लिखा है भाई, तब मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं अपने पास से बनाकर बोल रहा हूँ, क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्वयं कहा कि अगर उनसे कोई प्राण भी मांग देता तो अच्छे से उसको प्राण तक देने में वह यकीन रखते थे, ठीक है, मतलब इतने सज्जनता इनके पास थी। सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन किसका, अरावाकी समुदाय का सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की बात कर रहा हूं। देखिए अरावाकी संस्कृति के लोग जो थे अरावाकी संस्कृति के लोगों का मुख्य सांस्कृतिक मूल्याधार यह था कि ये सब मिलकर एक साथ खाद्य उत्पादन करें। मतलब अरावाकी समुदाय के जो लोग थे मतलब एक कुटुंब में ही रहते थे और मिलकर ही खाद्य उत्पादन करते थे, मतलब मिलकर ही खेती करते थे, मिलकर ही पशुपालन करते थे, शिकार करते थे, ठीक है। समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त हो ताकि सभी लोग मिलकर खाद्य उत्पादन करें, ताकि समुदाय के सभी लोगों को क्या है भोजन प्राप्त हो, ठीक है। वे अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे, मतलब वंश का जो मुखिया होता था वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था, कुल मिलाकर नैतिकता इनके अंदर थी, या बड़े अपने से बड़े लोगों का भी सम्मान करते थे। ये इनमें एक प्रथा थी बहुविवाह, बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी इनमें, जो ज्यादातर जनजातियों में होती है, तो यह में भी था, इनमें क्या था बहुविवाह प्रचलित था। वे जीववादी थे, यहाँ एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो अरावाकी समुदाय के जो लोग थे वह जीववादी थे। जीववादी का मतलब क्या होता है, जीववादी किसे कहा जाता है, इसे देखिए जीववादी इंग्लिश में क्या जाएगा, एनिमिस्ट, एनिमिस्ट कहा जाएगा। जीववादी क्या होते हैं, दरअसल जीववादी वो ऐसे विचार होते हैं, ऐसे विचारक होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं में भी सोचते हैं कि हो सकता है इसमें प्राण है, हो सकता है इसमें प्राण हो, मतलब उसका सम्मान करते हैं निर्जीव व्यक्तियों में। अब बताइए जगदीश चंद्र बसु ने तो बहुत दिन बाद में यह खोज किया, यह रिसर्च किया कि पेड़ पौधे में जीवन है, लेकिन हमारे वहां तो पीपल की पूजा, नीम की पूजा तो 5,000-7,000 वर्ष पहले से होती रही है, और इसी तरह की जनजाति भी मान्यता थी। तो देखिए यह जीववादी थे, एनिमिस्ट थे। जीववादी वे होते हैं जो निर्जीव में भी प्राण मानते हैं, यहां पर स्पष्ट कर दिया है। देखिए अरावाकी समाज में, अरावाकी समुदाय में समन लोग, समन लोग का मतलब क्या हुआ, पुजारी लोग, पुरोहित लोग, ठीक है, हर समाज में पुरोहित होते हैं, ठीक है। अरावाकी समाज में समन लोग कष्ट निवारकों, इह लोग और परलोक के बीच मध्यस्थों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कुल मिलाकर जो अरावाकी समुदाय है वह इह लोग और परलोक की मान्यता में यकीन रखता था, और जो पुरोहित वर्ग था वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था, ठीक है। अरावाकी लोगों का अरावाक, सही देखिए मैं अरावाकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहना आसान है, इसलिए कह रहा हूँ सही शब्द जो होगा अरावाक होगा। तो अरावाक लोगों का सांस्कृतिक जीवन, इनका सांस्कृतिक जीवन कैसा है, देखिए ना भैया, देखिए ना, देखिए ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चूहा पकड़ा हुआ है, एक अरावाकी समुदाय का बालक चूहा पड़ा हुआ है, पुरुष चूहा पकड़ा हुआ है, और यहाँ पर देख रहे ना हीरे का गहना पहना हुआ है, ये भी सब हीरे की गहना, नंगा बदन है लेकिन हीरे मोती और सोना पहने हुए हैं लोग, ठीक है। अब सोचिए क्रिस्टोफर कोलंबस जब आता है यहाँ पर, देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस का एक चित्र बना हुआ है यहाँ पर आ रहा है, और ये लोग देखिए बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े सोने के गहने और मुकुट सब दे रहे हैं लोग,
क्योंकि इनके एकदम धूल मिट्टी है, इनके लिए क्या है, धूल मिट्टी था। और इसीलिए यूरोप के लोग, इसीलिए स्पेन के लोग इसीलिए घृणा करते थे, भाई यार इतना अच्छा संसाधन, इतना ज्यादा संसाधनों का पहाड़ इन लोगों के पास, अरे यार ये लोग जानवर हैं, इन लोगों को यह इतने इतना इतना ज्यादा इतनी दुर्लभ चीजें इतनी ज्यादा मात्रा में, और इन नंगे भूखे लोगों के पास, यह तो सही बात नहीं है। इन संसाधनों पर किसका अधिकार होना चाहिए, यूरोपीय लोगों का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि यह लोग उसके योग्य हैं। ठीक है, तो यह सोचकर यूरोपवासियों ने अमेरिका महाद्वीप में कब्जा किया और यहाँ के मूल जातियों का विनाश किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनका सांस्कृतिक जीवन कैसा था। तो अरावाकी लोग सोने के गहने पहनते थे, पर यूरोपवासियों की तरह सोने को इतना महत्व नहीं देते थे। यार जिसके पास बहुत ज्यादा रहेगा वह क्या महत्व देगा। ठीक है, उन्हें कांच का मनका ज्यादा सुंदर दिखाई देता था। मनका मतलब जानते हैं क्या हुआ, मनका मतलब माला। ये देखो ये माला है ना, इसको ही मनका कहते हैं। मनका मतलब क्या होता है, माला। ठीक है, तो इनके लिए क्या था, कांच का मनका ज्यादा सुंदर दिखाई देता था। उनको लगता था भाई यह दुर्लभ चीज है, यह जो चमक रहा है दुर्लभ चीज है, और कांच के मनके के बदले या फिर वैसे ही वह सोना एकदम दे देते थे। ठीक है, उनमें बुनाई की कला भी बहुत विकसित थी, वह बुनना भी जानते थे, उन वस्त्रों को बुनना जानते थे। अरावाकों का व्यवहार बहुत ही उदारतापूर्ण था, और बहुत सारे यात्रियों ने अपने डायरियों में वृत्तांतों में उनकी उदारता के बारे में लिखा है कि वह कितने उदार हैं। ठीक है, वहां न तो कोई राजा था, न तो कोई सेना थी, न तो कोई चर्च था, सब मस्त थे यार। न राजा है, न सेना है, न कोई चर्च है, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण किसी के जिंदगी में नहीं है, और ईश्वर ने सब कुछ उनको दिया है। ईश्वर ने उनको सोने चांदी कैसे दिए हैं, धूल मिट्टी की तरह सोना चांदी दिया था, किसको, अमेरिका के मूल जातियों को। ठीक है, और इसीलिए तो भाई ईर्ष्या हो गई, इसीलिए ईर्ष्या होती थी, इसीलिए पुर्तगाल के लोगों को, स्पेन के लोगों को, यूरोपीय लोगों को इसीलिए ईर्ष्या हुई, भाई ये सब चीजें इनके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th के नाम से चैप्टर बना हुआ है, जाइएगा देखिएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th लेक्चर वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। देखिए कितना बढ़िया ऐसे ही नोट से पीपीटी है, और मैं एनसीईआरटी के हर कैप को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को।